अरे जाने दो, बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही सही है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्या है, आज 19 तारीख है और यहाँ पर झमाझम बारिश खूब हो रही है 17 तारीख से। और ऋषभ जी इधर आ रहे हैं और बारिश रुक गया है तो शाम का समय हो गया है। हम छत पर आए हैं, नीचे बहुत शोर हो रहा था, वीडियो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अभी तक मेरी जो वीडियो सारी आई है उसमें वॉइस नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई गाना सुन रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, कोई चेपो कर रहे हैं तो आवाज़ नहीं आ रही थी। इसलिए हम लोग म्यूजिक लगा दिए थे, तो इसलिए हम छत पर आए हैं। चलो कि छत पर वीडियो शूट कर लेते हैं और आप लोग से हाय हेलो कर लेते, बहुत दिन हो गया अच्छे से बात किए हुए, तो इसलिए मैं स्पेशली आप लोग के लिए छत पे आई हूँ और वहाँ से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप लोग कैसे फैमिली? हम तो चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको देखने के लिए। और इसी बीच में हमारे हस्बैंड छत पे बैठे हुए हैं, देख लीजिए, बोल लीजिए फैमिली से हाय। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो ये छत पे बैठे हुए हैं, ये अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और उधर तान्या जी खड़ी हुई हैं। और हाय अल्पना जी, अगर आप मेरी वॉइस सुन रही होंगी तो अल्पना जी हाय, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, हाँ चाचा को बुखार हुआ इसको, तो हमारे पीछे देख लीजिए कितना बारिश हुआ है, खेत देख लीजिए, ये स्कूल देख लीजिए, ये तान्या जी हैं, इनकी मम्मी भदोही चली गई और ये इन लोग बोलेंगे आप लोग रुकिए, आप लोग की वजह से हमें रुके हैं, ये भी कल चली जाएंगी, तो जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको देखने के लिए। और जिसके हम कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे उसके लिए दिल से सॉरी, आप लोग बुरा मत मानिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि बंदना जी कमेंट का जवाब नहीं दे रही हैं, बात नहीं कर रही, तो आप लोगों को फ़िलहाल मालूम होना चाहिए कि हम बहुत बिजी होंगे और शादी का घर था और टाइम नहीं मिलता था। वीडियो जानते हो इतना लेट से पोस्ट करती हूँ और बहुत नेट भी स्लो चलता है, टाइम नहीं मिलता एडिट करने के लिए, इसलिए हम लोग को जैसे आता है, समझ में आता है वैसे शूट करके डाल दे रही हूँ। और बहुत सारी भी वीडियो है शादी वगैरह बारात वगैरह का, तो देखे होंगे अमित किट्टो के ब्लॉग में आया ही होगा, हमने अभी नहीं डाला है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जो न्यू चीज़ है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें, वो चीज़ हम शूट करके डालें। तो लगे रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको देखने के लिए। आप लोग का कमेंट आ रहा था कि आप अपनी भाभी का बेडरूम दिखाइए, तो गाइस बेडरूम है लेकिन मेरे भाई बोल रहा था कि हम सामान वगैरह नहीं लेंगे क्योंकि उनको दिल्ली रहना है, तो यहाँ पर सामान वगैरह ले लेंगे तो यहाँ पर फालतू जाएगा, इससे अच्छा उनको दिल्ली में ले लेंगे, वहाँ शिफ्ट अच्छे से रहेंगे, यहाँ भी लो वहाँ भी लो, डबल खर्चा, तो थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए। बेडरूम है, सोते हैं, भाभी का रूम है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी, वो दो मतलब 21-22 तारीख को दिल्ली चली जाएंगी न्यू वाली भाभी, इसलिए वो सामान वामान नहीं खरीदा गया है और वो जो खरीदेंगे सब कुछ दिल्ली में खरीदेंगे और वहाँ पर ही अपना सब कुछ बनाएंगे, क्योंकि मेरे भाई का बार बार फ़ोन आ रहा है दिल्ली से कि आप लोग आप जल्दी आ जाइए, तो मेरा भाई जा रहा है 21 या 22 तारीख को जो चला जाएगा। और हम लोग भी अभी सोच रहे हैं, अभी आए हैं तो कुछ दिन हम लोग घूम लेते हैं, अभी नहीं जाएंगे, अभी तो दीदी के घर जाएंगे, ननद के घर, फिर उसके बाद जाएंगे ससुराल जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कब जाते हैं दिल्ली। अभी जानते हो गाइस मेरा गला बैठ गया है, यहाँ पर इतना बोलना पड़ता है, इतना चिल्लाना पड़ता है बच्चों के बीच में, तो मेरा गला एकदम बैठ गया है, तो आज हाँ तो आज हम सोच रहे हैं अपनी भाभी को मुंह दिखाए में क्या देते हैं, जुड़े रहिएगा और उनको मुंह दिखाए में क्या देते हैं तो आप लोग भी देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और देख लीजिए मेरा घर है चारों तरफ, घर मेरा नहीं है चारों तरफ, मेरा ये घर चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए। और आप लोग को मेरी भाभी कैसी लगी और बताइएगा आप लोग ज़रूर। तो चलते हैं, हम नीचे चलते हैं, देखते हैं सब हमारे घर में नीचे क्या करते हैं, ठीक है गाइस? ओके, हम नीचे आ गए हैं, मम्मी हमारी झाड़ू मार रही है, घर बहुत फैला हुआ है, भाभी बच्चों को दूध दे रही है, बहुत घर फैला हुआ है, धीरे धीरे मेहमान सब जा रहे हैं, बस दो तीन बुआ बचे हुई हैं और हम लोग हैं, और मेरा इन्वर्टर सीटी मार रहा है चू 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 चू, तो लाइट भी 7 बजे आ जाएगी। और भाभी जी आप लोग को
बहुत याद करती हैं। तो भाभी जी बोलिए कुछ दो सब। कौन याद करता है? मतलब आप नहीं याद करती अपने दोस्तों को कि आपके दोस्त फ्रेंड कैसे हैं? हाँ, ये तो बात है। और आपको भी सब पूछते हैं मेरे फ्रेंड वगैरह? हाँ, आप तो मुझे याद करते हो। आप लोग लगे रहिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा देखने को। तो ये बीने भाई साहब है और एक कब से कह रहे हैं हमारी बीबी को कुछ दे नहीं रही। हम भी देंगे यार, भाग थोड़ा ना जा रहे हैं। अरे 3 दिन हो गया, कब दोगी? अब आराम से देते हैं हम, सब देखते हैं सब क्या दे रहे हैं उस हिसाब से अपना देते हैं। तो ऐसा क्या चीज है मतलब बताओगी कि काहे बताएं, सरप्राइज है ना। अच्छा जी, ऐसा कुछ बड़ा चीज है क्या? बड़ा चीज नहीं है यार, लॉकडाउन में क्या बड़ा चीज दे सकते हैं। बात सही है, लॉकडाउन ने तो कमर तोड़ रखी है। अच्छा तुम दिल्ली जाओगी, सबसे पहले क्या करोगे? दिल्ली जाऊंगा, सुबह उठूंगा, पहुंचूंगा, नहा धो के पहले ऑफिस जाऊंगा। वाइफ अकेले रहेंगी रूम पर? हाँ, तो क्या वो 7 घंटे तो रहना ही पड़ेगा। तो ये जा रहे हैं अपनी दुल्हनिया को लेकर, देख रहे हो छोड़ नहीं रहे कि चलो एक आध 2 महीना मम्मी के साथ छोड़ देते हैं। अरे मम्मी को बुला लेंगे वहीं पे ना, क्या करेंगी? मम्मी है को बुला लेंगे वहीं पर। मम्मी आ जाएंगी, रहेंगी। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है अपना बेडरूम दिखाइए। बेडरूम दिखाएंगे दिल्ली में जाके, सारा यहाँ पे हमारा बेडरूम नहीं है क्योंकि मेरा सब सेटलमेंट वहीं पे है। हाँ, तो यहाँ सामान वाले कर इनका फालतू लॉस था, तो भाभी के रूम में एडजस्ट कर लिए थे। और सब चलता है, हमारी फैमिली अच्छी है, सब मिलजुल कर रहते हैं। जो लेंगे दिल्ली में लेंगे। हमारी भाभी बोल रहे हैं मैं आपके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी। सोच लीजिए कैसी भाभी है, देख लीजिए। अब ये सीधे बोल रहे हैं क्या आप हमसे? बता दो क्यों हमारे साथ वीडियो क्यों बनाना नहीं चाहती, जरा बताइए जरा हमको। थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं बनाना चाहती हैं? ये ना मेरे चेक बोन्स पे और नेट पे मेरा खराब कर दिए। क्या खराब कर दी? क्या चीज कर लिए थे बताइए जरा। नहीं, जो आईलाइनर होता है ना, देखिएगा गाइस, हम इनको तैयार नहीं किए थे आज। ये आईलाइनर नहीं लगाई थी तो हमसे वही लगा दो। और ये को भवन में थी, इससे हमारा रूम वहाँ भवन में है ना। ये जो दीदी है ना, मेरे आईलाइनर से पूरा हमको नहला दी। हाँ, तो नहला कैसे दिए इनको? हम नहला दिए, हमारे घुंघर उंगड़ काढ़ी थी, पसीना टप टप चू रहा था साड़ी से। नहीं, ऐसे हमको लगता ना तुम भी ध्यान नहीं दी, ये ऐसे इनको भी पसीना चू रहा था। ये देख के बोलेंगे क्या लाई है इतना बड़ा चीज, कुछ लाए नहीं है, आर्टिफिशियल है सब है, हम इतने अमीरदार नहीं है जी। 60 लाख दो देंगे वो मैं। सही में? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कुछ है कि नहीं, काढ़ी तो नहीं, खाली तो नहीं है। हम सोच रहे यही दे देते हैं यार। देखिए दीदी क्या दोगी तुम? यही दे रहे हैं। आई ला यही दे, ए हम के लाए दिए रहू, मुँह दिखाई कुछ जेठान बनी रहू। जेठान अपन देवर उठा के दे दिया, कम दे दिया तो क्या है? हाँ सही कहा था। तो अरे अरे गिर पटक रहा है ये। तो हम सोच रहे एक अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है, लेकिन आप देंगे पहनने के लिए? देते हैं कभी कभी। हाँ चलेगा, ठीक है, पहनाई दे क्या? पहना दीजिए। अच्छा, लेकिन ये मत पहनाइए, थोड़ा सा देखते हैं पहने है ना, तो ऐसे देखते हैं कैसा लग रहा है ना, वैसे मुड़ा उसको सही। अरे जाने दो, बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ऐसे ही सही है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, ये इनकी सासू माँ ने दिया था, सोनाक्षी की दादी ने। सोनाक्षी दादी कहाँ है? सोनाक्षी फोटो निकालो। हाँ, निकालने तरह से इनको है गाइस, बहुत ठीक है, हम अपने तरह से दे रहे हैं। बड़ी झुठी है, सही दे रही हो। एक तो आप क्या रहेगा, ये भी पहनेंगे, हम भी पहनेंगे, दोनों लोग मिलाकर पहनेंगे, है कि नहीं जी? आखिर एक ही जगह तो पहनेंगे, दोनों लोग का पहनने का मन करेगा, आधा आधा कर लेंगे। ये वाला हम पहनेंगे, ये वाला छोटा है आपसे। कोई बात नहीं, इंसान का छोटा बड़ा दिल होता है। ये है छोटी मोटी गिफ्ट हमेशा यूज करने के लिए। हम दोनों का सेम है। क्या सेम है? हमारा डिजाइन अलग है, तुम्हारा डिजाइन अलग है। तो कहे अंगूठिया निकाल दे रही हूँ, ब्लर आ रहा है, रुक जाओ, स्टार्ट करो। ये वाला हाथ देखे ढीला है? नहीं, इसी में है। सही है, तो ये देखिए कैसा लग रहा है, दोनों लोग का सेम है, क्योंकि हम लोग का शादी एक ही घर में हुआ था। शादी में एक साड़ी जैसे पहने थे और हर चीज हम लोग का सेम ही रहता है, ठीक है? एक ही घर में हुआ है, एक ही पति, एक ही माँ का बच्चे हैं, एक ही माँ की बेटी हैं। हम लोग जानबूझ के लिए थे ऐसे। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट और है,
ये बिछुआ है, ये शुभ माना जाता है, तो इसलिए इस शुभ मानते हैं, क्योंकि ये सुहाग की चीज होती है। हमने साड़ी इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये दिल्ली में रहेंगी और साड़ी वगैरह पहन, मेरे पास बहुत साड़ी था तो इसलिए हम साड़ी लेके, साड़ी की जगह पे इनको छोटा सा पार्टी दे देंगे दिल्ली में, है कि नहीं ना? लोग क्या रिश करती बिछुआ है, पहनेंगी तो ये पहनेंगी, नहीं रख लेंगी, और ये रसीद भी दे देते हैं साथ में। रसीद भी ले लो जी, रसीद भी देने का रखा नहीं, गलती से टूटेगा फूटेगा तो जहाँ से दिए रहेंगे, और ये अपने चाचा के दुकान से ही खरीदे थे, ओम आभूषण भंडार। लोग पूछेंगे दीदी कितने का है, वो भी बता दो। नहीं क्यों बता देंगे, वो तो रसीद देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे। लीजिए जी रसीद भी रख लो, अरे हार है ये टिफिनिया में कुछ मांग नहीं है। तो चलिए तो आप काला कर दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है एकदम, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कुछ है। तो जल्दी से बड़ी और हो जा, दूसरे बेटवा पैदा हो, और जल्दी जल्दी दिल्ली में एक मकान ले ला, मकान ले ला तो हम आउस भाई तेरे साथ ही रहेगी। वो तो बेटा तो पिक पिक निकालिए, एक बार ऐसे ठीक है, ऐसे निकालो जी थोड़ा सा, अरे वो खाए मेरा फोन का मेरा। ये नहाई नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है खूब नहाई है, गाइस हमको फीवर हुआ है तो रात को कल दी नहाई इनको और इनको। तो गाइस हम वीडियो शूट कर रहे थे, उतने में मेरी इन्वर्टर चली गई, इन्वर्टर बंद हो गया, तो हमको बरामदा में आकर मैं बना रही हूँ। तो भाभी जी हमारी गाय हमारे दोस्त लोग से कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहें दीदी? तो गाइस अपनी भाभी को हमने, आप लोग देखे होंगे, मैंने दे दिया मुँह दिखाई में, रिंग दिया, बिछुआ दिया, साड़ी वगैरह पहनेंगी भी नहीं, दिल्ली चली जाएंगी, रखा रह जाएगा, तो जो आएंगी मैं उधर ही दे दूंगी साड़ी वगैरह। मुझे बहुत सारी साड़ियाँ मम्मी चढ़ाई भी थी, वो बिताई अपने घर से बहुत सारे उतरे हुए हैं, तो साड़ी क्या सब लोग साड़ी देंगे, तो जो चीज़ मेन होता है वो चीज़ तो दे दिया। यहाँ देखिए भाई साहब जी क्या बांट रहे, आइसक्रीम। मैं वीडियो वहाँ शूट कर रही थी, पता चला आइसक्रीम यहाँ बांट रहे, तो मैं तुरंत इधर आई, और यहाँ दीदी जी खा रही हैं, सब बच्चे खा रहे हैं, पापा जी खा रहे हैं, ये मेरे पापा जी हैं, और ये तो मम्मी जी लहसुन लहसुन छील रही और ये भी किचन में काम कर रही है, सब रही है। यहाँ दीपक जी आ गए हैं बनारस से, और ये खाने में बहुत तेज है गाइस, आइसक्रीम बहुत खाती है ये, अब फिर भी दुबली पतली है, तो हमको दे रहे हैं लेकिन हम नहीं खाएंगे। चलिए हम जा रहे हैं खाने के बाद, अब ये बिना का उन्हें अब सारा दिन कहां बिना का के भैया, तो सबको और सब खा, अगर आप लोग को खाना है तो आप लोग खाइए। बाप रे जोला को फिर गल गल गया, दो प्लेट आइसक्रीम और तो बिना में यहां ये भी आ गए, ये जा यार दो जी ना गो भाई, ए सोनाचिक पापा को भी दे दो दो प्लेट। यहां देखिए बच्चे लोग भी टूट पड़े हुए किचन में भी, देख रही हो, देख रहे टूट पड़े हैं आइसक्रीम खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए हम नहीं टूटे, हम सबको बांट रहे हैं। अच्छा, और शाम को देखिए भाभी जी कुकर में चावल चढ़ा दी हैं, और फिर उसके बाद ये नान वेज के लिए मम्मी गाइस सब लोग आइसक्रीम खाए, मैं भी थोड़ा सा खा ली, गला मेरा सही नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा चख ली, और बहुत टेस्टी था, केसर बादाम वाला आइसक्रीम था, और वीडियो भी डालना था, तो मैं अब वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ, और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नए लोग जुड़े वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।